ससुराल वालों ने पीड़ित किया हुआ है, परेशान किया हुआ, दहेज के प्रति दहेज लेकर के आओ, अपने पापा के से पैसे लाओ। दो बेटी है मेरे पास, ये बड़ी बेटी की शादी कर दी, ये छोटी बेटी है, अभी 28 नवंबर को शादी की है इसकी सुरक्षा विहार में। दहेज लाने की है, तेरे बुढ़ा बुढ़िया है और कुछ है नहीं है देखना, तो मकान किराए पर हम रहते हैं, प्लॉट पड़ा हुआ हमारा, तो प्लॉट को बेच करके पैसे लाओ। 28 नवंबर को की है, 28 नवंबर 21 तो 2021 में करंट दिए हुए हैं, हाथ पैर हाथ में जख्म दिया हुआ है, काटा है, और रोटी दो एक दिन में देती, जीने के लिए रोटी देती है कि हाँ भरते रहो और वहाँ से पैसा लाते रहो। दो तीन बार हमने इनको पैसा भी दिया, 10,000-20,000 रुपए भर लेते हैं, करी हुई कि कम से कम ना 10 लाख 6 लाख प्लॉट जो बिक जाए वो प्लॉट बिकवा करके पैसे ला और फोन कर देना जब हम आपको लेने आ जाएंगे। प्रकरण संज्ञान में आया, प्रार्थनापत्र थाने पर प्राप्त हुआ है, जांच के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया, जांच प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया तो जो आरोप उन्होंने लगाए प्रार्थनापत्र में, इनकी जाँच होगी, पुष्टि होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।